मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा गोहाना रोड सोनीपत स्थित छोटू राम धर्मशाला में चौधरी छोटू राम एवं होशियार सिंह मलिक की प्रतिमा का अनावरण करने पहुँचे। इस दौरान उन्होंने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि इस दुनिया में जो आया है उसका जाना निश्चित है, लेकिन यह मायने रखता है कि जाने वाला अपने पीछे क्या छोड़ कर गया है उसी को याद करते हैं। उन्होंने कहा कि चौधरी होशियार सिंह ने समाज के लिए शिक्षा के क्षेत्र में बहुत काम किया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्य के आगे किए गए सभी विकास फीके हैं। इस दौरान भूपेंद्र हुड्डा ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि भाजपा सरकार SYL के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सिर्फ टाइम पास करने का काम कर रही है। इस दौरान उन्होंने संगठन न बनने के सवाल पर कहा कि भाजपा सिर्फ पन्ना प्रमुख तक पहुंची, जबकि हम हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के तहत घर घर तक पहुंच गए हैं। इस दौरान उनके साथ पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष धर्मपाल मलिक, सोनीपत विधायक सुरेंद्र पवांग, विधायक जयवीर बाल्मिक, विधायक जगबीर मलिक, विधायक इंदुराज नरवाल, पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया, वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेंद्र दहिया, पूर्व विधायक सुखबीर फरमाना, मेयर निखिल मदान व भारी संख्या में कांग्रेस नेताओं सहित आमजन मौजूद रहे। उनकी जयंती है, पुण्यतिथि है, उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा में, वो शिक्षक भी थे और उन्होंने ये संस्था भी बनाई, संस्था के संस्थापक भी थे जहाँ हम बैठे हैं आज, और अच्छे अच्छे स्कूलों में काम किया, सरकारी क्षेत्र में भी काम किया, जहाँ पे भी वो रहे उन्होंने अपना स्थान बनाया, और आज इसी वास्ते उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर सब याद करें। अपना टाइम कार्ड नहीं बात करें, इसका तो कोई मायने नहीं है। मंत्रियों मुख्यमंत्रियों की बैठक का क्या मायने है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, फाइनलिटी अटेन कर चुका है, अब जिम्मेवारी है यहाँ पे बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, SYL खोदने की जिम्मेवारी उनकी है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है, अब बैठ बैठ के बात करके क्या निकालना चाहते हैं, फैसला तो फाइनल हो चुका है, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा तो कोई कोर्ट नहीं, तो सिर्फ अपना इन्हें कई साल निकाल दिए चक्कर में, क्योंकि ये इनकी नियत नहीं है, ये फेडरल संविधान जो है हमारा फेडरल है, समझा, वो पंजाब में हमारा पानी, हम उसके हक्का थोड़ा ही मांग रहे हैं, हम अपने हक्का मांग रहे हैं, कड़ी तो यहाँ से सड़क से पंजाब में जाते लोग, हम सड़क बंद कर देंगे क्या, ये फेडरल है, सारे देश जब ही चलाया जाए, इतनी कुर्बानी से देश आजाद हुआ है, लोगों ने फ्रीडम फाइट किया है और संविधान बनाया है, फेडरल स्ट्रक्चर है, मतलब कोई नहीं मना कर सकता, सही बात है कि डॉक्टरों की बात सुननी चाहिए पहले, अब ये तो इस 2 साल में हुआ ही है सरकार में, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं, जब भी तो ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है और हर वर्ग इससे विमुख है, चाहे वो डॉक्टर है, चाहे शिक्षक है, चाहे आंगनबाड़ी है, कोई भी लगाओ, चाहे किसान है, मजदूर है, व्यापारी है, कर्मचारी है, शहरी है, ग्रामीण है, कोई भी इससे संतुष्ट नहीं। जी सर, वो तो पन्ना प्रमुख में बैठे हैं अभी, हम तो घर घर पहुंच गए हैं, आज से आज जोड़ों में घर घर तक पहुंच गए कांग्रेस, लेकिन हुड्डा साहब जिस प्रकार कुलदीप शर्मा जी लोग छत्तीस बरादरी जो है बन बना चुकी है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार होगी, लेकिन हुड्डा साहब जिस प्रकार से कुलदीप शर्मा जी भी मानते हैं कि संगठन नहीं बना और खुद वो अक्सर जो उस प्रकार के कार्यक्रम में जाते हैं तो स्वीकार करते हैं कि हाँ कांग्रेस का संगठन नहीं बना, बन जाएगा, रैली होंगी चलेंगी, रैली तो एक राजनीति का वो है, क्या बात है, लेकिन लोगों की मन की बात है, जो समर्थन जो सहयोग जिस प्रकार से लोग आकर्षित हो रहे हैं जन आक्रोशित रैली में, ये एक साथ साफ संकेत है कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की होगी और ये बीजेपी जेजेपी की छुट्टी होगी। जगत महान न्यूज की रिपोर्ट।